मध्य भारत में मॉनसून एक्टिव, उत्तर प्रदेश और बिहार में गर्मी और उमस के कारण मौसम का जानलेवा रूप। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम अब ओडिशा और छत्तीसगढ़ के ऊपर पहुंच गया है। ये सिस्टम मध्य भारत में ज्यादातर भागों में मॉनसून को एक्टिव रखेगा, जबकि देश के बाकी हिस्सों में मॉनसून करंट कमजोर रहेगी। मॉनसून वर्षा का जोर आज सबसे ज्यादा साउथ वेस्ट एमपी और इससे सटे महाराष्ट्र के शहरों में देखने को मिलेगा। खासतौर पर जलगांव, धुले, नंबूरदार, नाशिक, इंदौर, हरदा, देवास, खरगोन, खंडवा, उज्जैन, रतलाम और आसपास के शहरों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इसी तरह साउथ ईस्ट राजस्थान में कोटा, बारन, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, माउंट आबू और ईस्ट गुजरात में वलसाड़ से लेकर सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर, पालनपुर, मेहसाना और दीसा में भी अच्छी मॉनसूनी बौछारें गिरने की संभावना है। वेस्ट कोस्ट पर ठाणे, मुंबई, अलीबाग और रत्नागिरी में मध्यम वर्षा होगी, जबकि महाबलेश्वर में भारी बारिश जारी रहने के आसार बने हुए हैं। दूसरी ओर केरल में बारिश लगातार कम हो रही है। पिछले दो दिनों में काफी सुधार देखने को मिला है। बारिश आज तो कम होगी ही, आगे भी कुछ दिनों तक केरल में तेज बारिश नहीं होगी, जिससे राहत और बचाव कार्यों को तेजी से पूरा किया जा सकेगा और लोगों की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटेगी। नॉर्थ इंडिया में मॉनसून ट्रफ पंजाब और हरियाणा पर बनी हुई है। इसके प्रभाव से अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, करनाल, कैथल, अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर सहित नॉर्थ पंजाब और नॉर्थ हरियाणा के शहरों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। जम्मू, धर्मशाला, देहरादून सहित हिल स्टेट्स में भी मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। उत्तराखंड में एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादातर जगहों पर गर्मी और उमस लगातार जारी रहेगी। बारिश के झोंके कुछ समय के लिए कहीं कहीं पर आ सकते हैं, लेकिन बड़ी राहत की उम्मीद इस बारिश से नहीं कर सकते। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।